नमस्कार साथियों, इस वक्त की महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। राजस्थान में नई भर्ती 2022 को लेकर अपडेट। जी दोस्तों, 20,000 से अधिक पद, बिल्कुल कैसे हो सकता है 20,000 से पद अधिक, वो आपको बताऊंगा। इसमें पदों की संख्या नहीं बताई है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि 20,000 से अधिक पद, जी बिल्कुल 20 ही नहीं 30,000 होंगे कम से कम। 26 तारीख तक जो है अंतिम तिथि है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। अप्लाई आप कर सकते हैं, कैसे सारी जानकारी बताऊंगा। ऑफिशियल पीडीएफ जारी किया है यहाँ पर बीकानेर से, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी हुआ है नोटिस, अभी हाल ही में जारी हुआ है लेटेस्ट। दोस्तों राजस्थान में कोई भी अपडेट आती है ना, तो सबसे पहले वो अपडेट मिलती है स्टडी आईक्यू अकेडमी चैनल पर, तो इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दो। देखो यहाँ पर अभी तुरंत अपडेट आई, जैसे मैंने आपको बता दिया 17 फरवरी 2022 की बड़ी अपडेट। अपडेट देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से, तो यहाँ पर देखिए गेस्ट फैकल्टी के लिए ये अपडेट है। तो अपडेट है यहाँ पर किस विषय को यहाँ पर जो है अमल किया जा रहा है, तो विधान संबल योजना लागू किए जाने संबंधित बजट घोषणा संख्या 54.0.54 की क्रियान्विति के संबंध में ये अपडेट है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बजट घोषणा की गई थी आपकी 21-22 में, उसी को यहाँ पर जो है लागू किया जा रहा है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी बता दूँ, ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में है ये वैकेंसी। तो यहाँ पर देख सकते हो गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी, जितने भी स्वीकृत पद है ना उनके विरुद्ध आपको मिलेगी। यानी कि जैसे कि देखिए संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी हेतु पद हेतु देय मानदेय क्या होगा, यानी कि आपको पैसे कितने मिलेंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, वो भी देखिए। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जैसे कि थर्ड ग्रेड में आपके रीट में कितने पद रिक्त है, तो उतने ही पदों पे आपको संविदा पे लगाया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कितने पद, 63,000 पद तो आपके रीट में, तो इतने पद जो है आपके क्या है सर्जित है, तो 63,000 पदों पे आपके लगाए जाएंगे। सोच लो 63,000 पदों पे आपके लगाए जाएंगे, अभी संविदा पे लगाए जा रहे हैं। आप लग सकते हैं, आप संपर्क कीजिए अपने आसपास, कहाँ पर संपर्क करना है वो भी बताऊंगा आपको। उसके अलावा बात करें सेकंड ग्रेड में 9,760 के लगभग, इससे भी ज़्यादा पद रिक्त है, लगभग 16-17,000 पद आपके सेकंड ग्रेड में, तो 16-17,000 पद को उनको लगाना है, तो लगभग आपको बता रहा हूँ 1,00,000 से भी ज़्यादा पदों पे ये सुविधा में लगाए जाएंगे। तो 26 तारीख से पहले यदि आपको लगना है, पैसे कमाना है, तो लग जाइए दोस्तों। 1 घंटे के 300 रुपये, 1 घंटे के 400 रुपये, 1 घंटे के 450 रुपये, वो भी बताऊँगा। फर्स्ट ग्रेड के भी इतने पद है, शारीरिक परीक्षा अनुदेशक के पद खाली है, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के पद खाली है, स्कूलों में बहुत पद खाली है, तो उनमें लगाए जाएंगे। जैसे कि 1 से 8वीं तक जो पढ़ाएंगे थर्ड ग्रेड के, उनको 300 रुपये मिलेगा पर घंटे का, टोटल ज़्यादा से ज़्यादा इनको 21,000 रुपये मिलेगा। 9वीं से 10वीं को 350 रुपये मिलेगा, 25,000 रुपये तक। फर्स्ट ग्रेड जो 11वीं 12वीं के पढ़ाएंगे उनको 400 रुपये पर घंटे, 30,000 रुपये। और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक को 300 रुपये मिलेंगे, 21,000 रुपये। प्रयोगशाला सहायक को मिलेंगे यहाँ पर 300 रुपये, मतलब प्रति घंटे के हिसाब से, तो इनको 21,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये पेमेंट मिलने वाला है। आगे क्या है, रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्ति समझी जाएगी, यानी कि जो उपरोक्त पद भर जाएंगे, सारे पद भर जाएंगे, स्वतः ही उसकी जो है लास्ट डेट समझी जाएगी। यानी कि जल्दी से जल्दी आपको जाना है, जैसे वैकेंसी आती है आप फटाफट से ब्लॉक में पहुंच जाए, वहाँ देख लीजिए कहाँ पर वैकेंसी है, फटाफट से लगा दो, नहीं तो बड़ी धांधलेबाजी हो जाएगी, क्योंकि अपने अपने लोगों को लगाने का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोग सबसे पहले पहुँच जाइए, अपने लोग ना लगाएं उससे पहले आप पहुँच जाइए। ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ संस्थानों महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में सवर्ग एवं विद्यालय वार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। तो ये प्रस्ताव कहाँ पर जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी को। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गेस्ट फैकल्टी हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूचना को सम्मिलित कर सवर्ग वार रिक्त पदों के अनुरूप सेवानिवृत्त कार्यक्रमों को संविदा पर नितांत अस्थायी तौर पर सत्रांत अथवा पद भरने तक नियुक्ति हेतु। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेट है, गेस्ट फैकल्टी के कार्य के समुचित मॉनिटरिंग मुख्य जिलाधिकारी, ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, और आपका ये फोरम भी रहा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये देख सकते हैं व्यक्ति जानकारी आपका सारी जानकारी लिखनी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी फटाफट से आप आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पर जानकारी भी लिखी हुई है, गेस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का आकलन 18 फरवरी 2022, गेस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु सूचना प्रकाशन 21 फरवरी को, रिक्त पदों का विवरण चस्पा करना है 21 तारीख को, आवेदन प्राप्त करना है 26 फरवरी तक, 2 मार्च को इनको नियुक्तियाँ दे देनी है और 7 मार्च तक क्या करना है, नियुक्ति अधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अनुमोदन, संविदा नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया जाना है। तो ये सारी जानकारी 7 मार्च से पहले पहले हो जाएगी, 26 तारीख तक आवेदन लिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, फटाफट से शेयर कर दो और PDF हमारे टेलीग्राम स्टडी अकेडमी से ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।